नमस्कार, जय हिंद। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एजीटीए के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, हम लोग लगातार अपने कृषि प्रावधिक सहायक की वैकेंसी के लिए कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन में ये जरूर आएगा, चूंकि सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। प्राकृतिक खेती इसलिए आवश्यक है, इसलिए जरूरी पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको बहुत बढ़ावा दे रही हैं। और साथियों, प्राकृतिक खेती आज बहुत ही महत्वपूर्ण खेती हमारे लिए है, जिसको जैविक खेती भी कहते हैं, टिकाऊ खेती कहते हैं। तो यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और प्राकृतिक खेती करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होता है। और इसके बाद प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग आखिर किन किन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होता है, किन किन संसाधनों का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, कम लागत लगे और हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित ना हो, जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव है, कीड़े मकोड़े, जो बैक्टीरिया है, वह बने रहें, केचुए बने रहें। और साथियों, सिंचाई कम से कम करनी पड़े, कर्षण कम से कम करना पड़े। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो प्राकृतिक खेती, जिसको हम सस्टेनेबल फार्मिंग भी कह सकते हैं दोस्तों, जिसको हम टिकाऊ खेती भी कह सकते हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से टिकाऊ खेती आखिर होती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, आदिकाल से आप देख रहे हैं कि हम लोग खेती करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे हमारे आविष्कार बढ़े। जैसे जैसे हमारे आविष्कार बढ़े, हमारा मैनेजमेंट बढ़ता गया और साथियों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने खाद्यान्न का उत्पादन प्रारंभ किया। जनसंख्या हमारी और बढ़ी, हमने उत्पादन और शुरू किया। जनसंख्या हमारी और बढ़ी तो हमने जितनी भी फील्ड थी, उस सारी फील्ड को, जो कृषि योग्य जमीन थी, जो कृषि योग्य भूमि थी, उसको अपने इस्तेमाल में लाना शुरू किया, उस पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमारा उत्पादन स्थिर हो गया। अब उत्पादन स्थिर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? साथियों, एक समय ऐसा आ गया कि जब उन खाद्यान्नों का, जब उन कल्टीवेशन का, जब उस खेती का, जिसको हम ट्रेडिशनल खेती कहते हैं, परंपरागत खेती कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब उस खेती में उत्पादन बिल्कुल स्थिर हो गया, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो गई, हमारी हवा दूषित हो गई, हमारा जल दूषित हो गया और उस फार्मिंग का, उस कल्टीवेशन का साथियों, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा। इवन ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हुई जिनका इलाज संभव नहीं है। आज हम देख पा रहे हैं परंपरागत कृषि के बड़े बड़े मुकाम हमने हासिल किए, जैसे कि हरित क्रांति। साथियों, कोई भी क्रांति होती है किसी भी पीढ़ी के लिए, वो बहुत महान काम करती है। जाहिर सी बात है, उस समय हमें आवश्यकता थी हरित क्रांति की, जहां पर हम लोगों ने खाद्यान्नों के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की। लेकिन आज उत्पादन के इस प्रतिस्पर्धा में हम ये भूल चुके हैं कि आखिर हम क्या उत्पादन कर रहे हैं। हम जहर उत्पादित कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो उस फसल में हम लोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाद, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया है, नाइट्रोजन है, साथ ही फॉस्फोरस है, मतलब जो केमिकली फॉर्म में आता है, या फिर पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड साथियों, इंसेक्टिसाइड है, इसका हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी ने खाद डाल दिया एक हेक्टेयर में एक बोरी यूरिया, तो हम उसको देखते हैं और देख करके उससे हम कहते हैं कि इससे हमारा अच्छा, हम इससे अच्छी खेती करेंगे, और हमने डाल दिया दो बोरी यूरिया। तो आजकल ये हो रहा है साथियों, आजकल जो परंपरागत खेती है वो प्रतिस्पर्धा के पार जा रही है, और कहीं ना कहीं यही आज हमारे मिट्टी को, हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे इकोसिस्टम को, इन सब को तहस नहस कर रहा है। साथियों, आवश्यकता है फिर से हमें वैदिक खेती करने का, आवश्यकता हमें फिर से जैविक खेती करने का, साथियों आवश्यकता हम सभी को कार्बनिक खेती करने का साथियों, क्योंकि अगर हम ये खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन तो हमारा स्थिर रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी हर पीढ़ी में उत्पादन हमारा उससे स्थिर रहेगा, यानी एक सा बना रहेगा, और वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करेंगे, और बिना इकोसिस्टम से छेड़छाड़ किए हुए, बिना अपनी मिट्टी को प्रभावित किए हुए। तो साथियों, आज आइए बात करते हैं क्या है प्राकृतिक खेती,
साथ ही किसको हम कहते हैं टिकाऊ खेती, किसको हम कहते हैं कार्बनिक खेती। तो बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा यहां पर, आप इसको जब समझेंगे तो किसी को भी आप इसको बता पाएंगे अच्छे तरीके से। प्राकृतिक खेती दोस्तों, या फिर इसको हम कहते हैं जैविक खेती, या नाम चलिए मैं लिखूंगा इसको हम कहेंगे नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। तो क्या है प्राकृतिक खेती? इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़े महत्व के होते हैं, जैसे कहेंगे साथियों न्यूनतम लागत, या दोस्तों हम कहेंगे जीरो लागत, शून्य लागत। ये देख जितने मैं शब्द यहां पर लिख रहा हूं ये सारे शब्द बहुत महत्व के हैं दोस्त। कहेंगे न्यूनतम लागत, लागत उच्च गुणवत्ता व अधिक उत्पादन व अधिक उत्पादन। अधिक किसानी आय, अधिक किसानी आय, और जितने इसमें शब्द मैं लिख रहा हूं सारे शब्द मील के पत्थर हैं, और सारे शब्द ये है साथियों बताते हैं कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो अधिक किसानी आय, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ स्वस्थ दोस्तों इन्वायरमेंट, जहर, कृषि कर्ज, जहर मतलब जो आज हम उत्पादित दोस्तों कर रहे हैं, जो आज उत्पादन हम कर रहे हैं फसलों का, समझ लो कि उसमें जहर तो होता है। आप सबसे अच्छा बैगन खरीदते हो छांट करके, सबसे अच्छा बैगन, सबसे अच्छी भिंडी, सबसे लंबी लंबी लौकी आप लेते हो, सबसे हरा हरा खीरा आप खरीदते हो, लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि उसको उत्पादित करने में कितनी अधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इन सबका इस्तेमाल किया गया है। ओके दोस्तों यहां पर कहेंगे देखिए, जहर, कृषि कर्ज, रोग, रोग मुक्त। अब यहां पर देखिए जो हम लोग वर्तमान फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग से, उस फार्म क्या हो रहा है उस फार्मिंग से, अब उसमें पेस्ट कंट्रोल करना है हमें, इरिगेशन करना है साथियों हमें, हमें उसमें मैन्योर करना है, तो जो हमारी लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। अब साथियों जब लागत बढ़ रही है ना, तो लागत हम कहां से लगाएंगे, उतनी आय है नहीं, लागत बढ़ रही है, जिससे दिन प्रतिदिन किसानों पर दोस्तों कर्जा बढ़ रहा है। ओके रोग मुक्त, प्राकृतिक आपदा मुक्त, प्राकृतिक आपदा मुक्त, मुक्त साथियों खुशहाल और खुशहाल और स्वावलंबी, खुशहाल व स्वावलंबी किसानी, को प्राकृतिक खेती कहते हैं। खेती कहते हैं। चूंकि इस खेती में साथियों हम लोग क्या करते हैं, इस खेती में हम सभी लोग कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, इस खेती में हम लोग हरी खादों का इस्तेमाल करते हैं, इस खेती में हम लोग कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसलिए इसको हम जैविक खेती कहते हैं साथियों, इसको हम कार्बनिक खेती कहते हैं दोस्तों। और यह ऐसी खेती है जो
लगातार हमारी आने वाली पीढ़ियों के उत्पादकता में प्रभाव नहीं डालती बल्कि उसको मेंटेन रखती है, तो इसको हम सस्टेनेबल फार्मिंग भी कहते हैं, साथ ही इसको हम कहते हैं टिकाऊ खेती। ओके दोस्तों, तो यहां पर देखिए साथियों, इसी को हम कहते हैं कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती साथियों, इसको हम कहते हैं जैविक खेती। जैविक खेती दोस्तों, इसको हम कहते हैं पर्यावरणीय खेती, क्योंकि यह ऐसी खेती है जो हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को ध्यान रखते हुए, मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ध्यान रखते हुए करी जाती है, साथ ही इसको हम पर्यावरणीय खेती कहते हैं दोस्तों। और साथ ही इसको हम टिकाऊ खेती भी कहते हैं। ओके ना, तो ये देखो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं इसकी जो परिभाषा समझता हूं, ये तो देखो पॉइंट हो गया न्यूनतम लागत यानी कम से कम खर्चा, उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन, अधिक साथियों अधिक किसानी आए, तो कहेंगे दोस्तों अधिक किसानी आए, ठीक है दोस्तों, अधिक किसानी आए साथियों, और कहेंगे स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पर्यावरण, जहर किसी कर्ज, रोग मुक्त, प्राकृतिक आपदा मुक्त, खुशहाल और स्वावलंबी किसानी दोस्तों क्या होती है, यही जो है प्राकृतिक खेती है दोस्तों। इसको हम टिकाऊ खेती भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं आइए हम पहले इस पर बात करते हैं साथियों। इसको हम टिकाऊ खेती कहते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं, तो क्यों कहते हैं टिकाऊ खेती। सस्टेनेबल फार्मिंग, तो यह आखिर शब्द इसके लिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो टिकाऊ का मतलब यह है कि ऐसी खेती जिसमें उत्पादन ये निरंतर बना रहे, ये साथियों बढ़ता रहे, प्रोडक्टिविटी स्थिर रहे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं भाई वो भी तो करेंगी, वो भी तो खेती करेंगी, उनकी आवश्यकता है, हमें उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में उनको कोई समस्या दोस्तों ना हो, तो कहेंगे पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना, को प्रदूषित किए बिना किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, जो डिमांड हमारी अभी है कि आवश्यकता को पूरा करते हुए, पूरा करते हुए, ओके साथियों, कहेंगे आने वाली पीढ़ियों जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए की गई खेती साथियों, इसी को हम कहते हैं टिकाऊ खेती दोस्तों, इसी को हम कहते हैं टिकाऊ खेती। ओके ना, तो हमारे पर्यावरण को बिना प्रदूषित किए हुए जो हमारी पीढ़ियां चल रही हैं, वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके समय में उत्पादन कम ना हो, इस चीज को ध्यान रखते हुए जो साथियों खेती हम करते हैं ना, वही क्या है, वही दोस्तों टिकाऊ खेती है। अब यहां साथियों हम बात करेंगे आखिर टिकाऊ खेती या प्राकृतिक खेती या कार्बनिक खेती
या जैविक खेती करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब जो उत्पादन मिट्टी का है वो साथियों स्थिर हो चुका है, हमारे मिट्टी की फर्टिलिटी अब साथियों कम हो चुकी है, बिल्कुल स्थिर उत्पादन हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसके बाद जो खाद्यान्न है, जो सब्जियां हैं, जो फल उगा रहे हैं हम लोग, उसमें वो गुणवत्ता नहीं है जो साथियों प्राकृतिक खेती से उत्पन्न होने वाले फल सब्जी और खाद्यान्न में होती है। यानी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है खाद्यान्नों की, फलों की, सब्जियों की, ये निरंतर घट रही है। इसके बाद ट्रेडिशनल खेती करने से जो हमारे आज आप देखिए जो हमारे हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे इकोसिस्टम में तितलियां होती हैं, जुगनू होते हैं, मक्खियां मधुमक्खियां साथी होती हैं, तमाम लाभदायक ऐसे कीट होते हैं जो आज आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने खेतों में जिस तरह से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से जो लाभदायक कीट है जो कि परागण में बड़ा हेल्प करते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो गायब हो जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे तो हमें इन सब का ध्यान देना पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे मिट्टी को, हमारे इकोसिस्टम को, साथियों किसान की आय को, उसके पास कितना बनेज उसको, क्योंकि हम इसमें जीरो टीरेज करते हैं, मतलब कोई कर्षण नहीं साथियों, न्यूनतम कर्षण करेंगे ना, मिट्टी को पलटेंगे साथियों ना उसको कुछ करेंगे। तो साथियों आइए बात करते हैं आखिर टिकाऊ खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों? ठीक है, क्यों आखिर यह आवश्यक हो गई हमारे लिए, आइए हम इस बारे में साथियों बात करते हैं। तो साथियों हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती साथियों इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। देखिए साथियों कहेंगे कि हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग, आज हम लोग इतनी अधिक मात्रा में हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन कीटनाशकों का जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और आप दोनों पड़ रहा है। हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का प्रयोग, और इसका प्रयोग आजकल हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है का प्रयोग। ओके, साथ ही इसके उपयोग से देखिए कितनी हानियां हो रही हैं दोस्तों। और हम कह सकते हैं यहां पर देखिए मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप बदलाव, मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव, स्वरूप में बदलाव। अब देखिए क्योंकि लगातार कर्षण करने से, लगातार साथियों कल्टीवेशन करने से, जुताई करने से जो मिट्टियां हैं उनकी पकड़ कमजोर हो रही साथियों, और इससे क्या हो रहा है, भूक्षरण बढ़ रहा है जिससे कि उत्पादन पर साथियों प्रभाव पड़ता है। तो हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग साथियों, मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप में दोस्तों बदलाव हो रहा है, और कहते हैं मिट्टी में पोषक तत्व का संतुलन बिगड़ना, क्योंकि हम जब साथियों परंपरागत खेती करते हैं तो इसमें हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं रासायनिक खादों का, हमें यह नहीं पता होता कि कितना हमको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, कितनी और
यहां पर खाद का इस्तेमाल करना है, बस हमें बस इस्तेमाल ही करना है, हम ये सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लगातार एक फसल वर्ष में केवल एक ही प्रकार की फसलें उगाते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, एक फसल वर्ष में आपने क्या किया, पूरे तीनों सीजन में आपने केवल और केवल फली वाली सब्जी उगाई। साथियों यहां पर क्या हो रहा है, जो मिट्टी के अंदर जो तत्व होते, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। लेकिन जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं, उस खेती से मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका बैलेंस बिगड़ जा रहा है और सही तरीके से वो हमारे पौधों को उन तक पहुंच नहीं पा रहे। साथी दोस्तों और कहेंगे, पैदावार का अधिकतम हिस्सा खाद, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई में लग जाना, यानी कि जितना हम पैदावार कर रहे हैं उसका अधिकतम भाग देखिए हम लोग खाद ही खरीदने लगा देते हैं। साथ ही उसका अधिकतर भाग जो है हम लोग कीटनाशी, सिंचाई या जो मैनेजमेंट होता है उसमें लगा देते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे पास क्या बचेगा, कभी भी किसानों की आय दुगुनी नहीं होगी बल्कि दोस्तों कम हो जाती है। तो उस कहते हैं देखिए साथियों, इसके बाद देखिए कहेंगे ग्रामीण जीवन का रूपांतरण। तो कहीं ना कहीं इतनी मात्रा में अगर हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो ग्रामीण जीवन होता है, जो हवा होती है, जो पानी होता है, जो मिट्टी होती है, जो लाभदायक कीट पतंगे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, साथ ही उनमें बदलाव होता है। पहले लोग कहते थे कि भाई शहर में रहने लायक नहीं, हम गांव में रहेंगे, गांव बहुत अच्छा है, गांव की हवा शुद्ध है, गांव की मिट्टी शुद्ध है, गांव का पानी शुद्ध है। लेकिन आज आप देखिए हर गांव में लगभग लोग आरओ का ही पानी पीना शुरू कर दिए हैं। साथियों हर गांव में आप देखिए हवा जो हवा की शुद्धता थी पहले, अब वो हवा शुद्ध नहीं होती है। तो साथियों कहने का मतलब यह है कि गांव का जो इन्वायरमेंट है वह भी परिवर्तित हो चुका है इस खेती से। तो हमें आवश्यकता है इस खेती को बदल कर साथियों का करना। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां हम लोग प्राकृतिक ओके ना कहेंगे एक पॉइंट और साथियों, रासायनिक खेती करने से रासायनिक व रासायनिक खाद व कीटनाशक का इस्तेमाल करने से का प्रयोग करने से खाद्यान्न व मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, ठीक है ना। जो अन्न हम उपजा रहे हैं दोस्तों, उन अन्न में आप देखेंगे कीटनाशकों का इतना अधिक इस्तेमाल होता है, रासायनिक खादों का इतना व्यापक प्रयोग हम लोग करते हैं, जिस कारण से जो खाद्यान्न हो रहे हैं वो जहर हो रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से सही नहीं है। साथियों यही कारण है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद देखिए, सरकार हमें लगभग हर चीज पर आज सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बीज खरीदते हैं साथियों, वहां सब्सिडी है। साथियों खाद ले रहे हैं तो वहां सब्सिडी है। अगर हम कोई पेस्टिसाइड ले रहे हैं वहां सब्सिडी है। तो सरकार हमें सब्सिडी दे रही है किसानों को किसानी करने के लिए। अब सब्सिडी में क्या हो रहा है, सरकार की बहुत सी ऐसी आय है जो आर्थिक जो हिस्सा है वो सब्सिडी में खर्च हो रहा है। अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो सरकार जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उसका इस्तेमाल वो आपके डेवलपमेंट में करेगी। यानी अगर आप आत्मनिर्भर खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, तो उसमें क्या होगा, न्यूनतम कर्षण और साथ ही उसमें न्यूनतम सिंचाई होती है,
न्यूनतम उसमें देखिए, उसमें देखिए हम जीरो जो है, जीरो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते साथ हूं, जीरो केमिकल होता है उसमें, जब सब कुछ प्राकृतिक है उसमें हम कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करेंगे, गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, हरी खाद डालेंगे तो खर्चा हमारा कम हो जाएगा ना। जब खर्च हमारा कम होगा तो जाहिर सी बात है जो जो सब्सिडी के रूप में हमको पैसा मिल रहा है जो सरकार दे रही है, उस सरकार का आर्थिक बोझ भी तो कम होगा। और जब सरकार का आर्थिक बोझ कम होगा तो गवर्नमेंट जो पैसा है उसके ऊपर जो पैसा साथ उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेगी। तो यहां पर देखिए यही साथी आवश्यकता है और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी है जिसकी हम बात करते रहेंगे। तो साथियों आवश्यकता हमने देख लिया, अब प्राकृतिक खेती का उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या है। भाई चलो हम कर तो रहे हैं, किसानों के मन में डर होता है, चलो हम अगर प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं तो प्राकृतिक खेती करने से क्या हमारा उत्पादन उतना होगा जितना हम परंपरागत खेती से ले पाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल होता है साथियों किसी किसान का। भाई जाहिर सी बात है अगर किसान ने डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल किया है तो उसका उत्पादन उसको मिल रहा है, लेकिन अगर सीधे गोबर की खाद का इस्तेमाल करे वो तो क्या उतना उत्पादन हो पाएगा। तो किसान के मन में एक सवाल होता है, तो भाई इसके उद्देश्य और लाभ भी जानने पड़ेंगे आप लोगों को। देखो साथियों आजकल आप देखेंगे नैनो यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, पंचगव्य का इस्तेमाल हो रहा है, जीवामृत का इस्तेमाल हो रहा है, बीजामृत का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दोस्तों खादें हैं, इनका मैं नाम लूंगा अभी आप लोगों से। देखो तो इन सबको हम साथियों इस्तेमाल करेंगे। देखो साथियों आगे देखो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर क्या देखिए, जैसे कहेंगे हम लोग कि जैविक खेती में प्रयुक्त पदार्थ ये कौन कौन से होंगे जो रिप्लेस करेंगे आपके रासायनिक पदार्थों को। यहां पर ये सबसे बड़ा सवाल साथी होता है, बहुत बड़ा सवाल ये है कि भाई हमको अगर केमिकल को रिप्लेस करना है तो उसको रिप्लेस करने की एवज में हमें क्या इस्तेमाल करेंगे और क्या गारंटी है कि हमारा उत्पादन उतना रहेगा। ध्यान रखना अगर शुरुआत में आप जैविक खेती करोगे तो जरूर कुछ उत्पादन में कमी आएगी लेकिन ये सस्टेन रहेगी, मतलब जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, स्लोली स्लोली दोस्तों ग्रो करेगी वो, और एक समय ऐसा आएगा जब वो इक्वल हो जाएगी रासायनिक खेती से। बस जाहिर सी बात है ये 2 से 3 साल का समय लगता है इसमें शिफ्ट करने में, जाहिर सी बात है फिर आप देखिए इसका मजा। तो अचानक आप उतना उत्पादन नहीं प्राप्त करेंगे लेकिन साथियों धीरे धीरे क्या होगा उत्पादन तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे आप एक कहावत होती है कि जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं वो तुरंत आराम करती हैं लेकिन उनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है, वहीं उनके कंपेयर में जो औषधियां आयुर्वेदिक होती हैं वो धीरे धीरे असर करती हैं लेकिन उनका प्रभाव टिकाऊ होता है। साथियों ठीक उसी प्रकार जो आपकी टिकाऊ खेती जो जैविक खेती है या धीरे धीरे हम लोग अपनाएंगे या धीरे धीरे हमारे दोस्तों हमारे जीवन में आएगी लेकिन जब हमारे जीवन में शिफ्ट हो जाएगी ना उसके बाद देखिए इसके सस्टेन होने के बाद फिर उत्पादन हमारा उतना ही रहेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बस एक झलक दिखा रहा हूं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे इसमें हम इस्तेमाल करेंगे आपके साथ कार्बनिक खाद हो गई जिसके कहेंगे वर्मी कंपोस्ट ओके दोस्तों यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे गोबर की खाद साथियों यहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग हरी खाद दोस्तों यहां देखिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग घरेलू अवशिष्ट दोस्तों यहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग पंचगव्य। अरे पंचगव्य क्या है, यहां इस्तेमाल करेंगे घन जीवामृत साथियों यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग बीजामृत।
तो यहां देखिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, घरेलू अपशिष्ट दोस्तों, पंचगव्य है, जीवामृत दोस्तों, घन जीवामित्र है दोस्तों, आपको बीजामित्र है। और देखिए यहां जो जहां पर हम पशुपालन करते हैं, अगर मान लीजिए हम कुक्कुट पालन कर रहे हैं, जो 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 हमारी मुर्गियां होती हैं उनके आप देखेंगे साथियों, उनके जो है उनके जो बीट होते हैं दोस्तों उनको हम इस्तेमाल करते हैं। देखो इसके बाद देखो साथियों, रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, रॉक फास्फेट का दोस्तों इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यही सब देखिए इस्तेमाल होता है जब हम कहीं पर जैविक खेती करते हैं। तो आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वर्मी कंपोस्ट साथियों, क्या होता है गोबर, कैसे बनती, कब गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं साथियों, क्या होती है हरी खाद दोस्तों, घरेलू अपशिष्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेन चार पॉइंट आपका ये है, ये चारों पॉइंट साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी संभावना है कि साथियों यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो हमें इसको जानना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य होता है साथियों जैविक खेती का, किस उद्देश्य से हम सभी को जैविक खेती करनी चाहिए दोस्तों, आइए हम इस पर विचार करते हैं दोस्तों। साथियों कहेंगे सबसे पहली बात, आजकल देखिए जल ही जीवन है, और लगातार साथियों परंपरागत खेती करने से जो जल का स्तर है ना वो काफी नीचे गिर जा रहा है, और साथियों काफी मात्रा में हम जल को खराब करते हैं। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे बहुत सारे इरिगेशन के प्रकार होते हैं जिसमें जल को हम बेकार में साथियों खराब कर रहे हैं, उनका कोई सही इस्तेमाल दोस्तों नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट रहेगा जल संरक्षण, ताकि जो है जल संरक्षण हो सके, जल संरक्षण हो सके ओके दोस्तों। यहां देखिए पहला पॉइंट साथियों, यानी जल को दूषित होने से बचाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से साथियों, वीडिसाइड का इस्तेमाल करने से जो हमारे जो हमारा जल जो साथियों जो पीने वाला जल है वह खराब हो रहा है। जाहिर सी बात है वही कीटनाशी, वही यूरिया, वही डाइअमोनियम फास्फेट, वही वीडिसाइड, वही पेस्टिसाइड, वो जो है मिट्टी के पानी के साथ रिस करके सीधे अंदर पहुंच जाता है, जहां पर पीने वाला पानी हो रहा है वह पीने वाले पानी को जहर कर दे रहा है। साथियों कहेंगे जमीन खाली ना छोड़ी जाए, ना छोड़ी जाए, और खेतों में वृक्ष लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाए दोस्तों। साथ ही यहां पर देखिए जो जैविक खेती है इसका उद्देश्य एक और है कि कोई भी जमीन हम खाली नहीं छोड़ेंगे, वहां किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई फसल का उत्पादन करेंगे, और खेत में अगर कोई स्थान खाली है तो वहां हम भरसक कोई दोस्तों पेड़ लगा देंगे। अब पेड़ लगाने से क्या होगा, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में गहराई तक पहुंचती हैं, और जब वो मिट्टी में गहराई तक पहुंचती है साथियों तो मिट्टी और जल को बांध के रखती हैं, मिट्टी और जल को बांध के रखती हैं, और सॉयल इरोजन जिसको हम कहते हैं मृदा क्षरण उसको रोकती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सा जरूरत होता है। कहेंगे इसके बाद देखिए स्वदेशी बीजों का प्रयोग हो, स्वदेशी बीजों का प्रयोग हो, बीजों का प्रयोग हो, साथियों आज आप देखिए जो हमारे देसी बीज हैं, जो हमारे स्वदेशी बीज हैं क्या कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं। आजकल देखिए तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी वैरायटी आ चुकी हैं साथियों जो उच्च म्यूटेंट साथी होती है, उनको उनको उत्परिवर्तित करके कुछ अलग शेप दे देगा दोस्तों। तो नए नए बीज आ चुके हैं आजकल, तो नए नए बीज आ चुके हैं, हमें वापस स्वदेशी बीजों पर दोहराना है, उनका हमें अधिक इस्तेमाल करना साथियों। इसके बाद देखिए मिट्टी में कार्बनिक तत्व बढ़े, कार्बनिक तत्व बढ़े, तो हमें इस प्रकार से खेती करना है कि जो हमारे मिट्टी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो, उनकी कमी दोस्तों ना हो, उनकी बल्कि वृद्धि होती रहे साथियों। ठीक है ना, और कहेंगे कि खेतों में बाहरी लागत ना हो, बाहरी लागत
ना हो। यानी जो हम अनावश्यक रूप से पैसे अपने खर्च करते हैं, जो हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं है और इसका प्रभाव साथियों हमारे ऊपर पड़ता है, जाहिर सी बात है हम कर्ज में दब जाते हैं। तो अगर हम जैविक खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है बाहरी लागत, मतलब इसका क्या है, हम जो है तमाम प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथियों बेकार में सिंचाई नहीं करेंगे, महंगा बीज नहीं खरीदेंगे। तो जब बाहरी लागत नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात साथियों, जब हम देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना तो हम बाहरी बीज लाएंगे, ना तो हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, ना उतना हम मिट्टी को पलटेंगे साथियों, ना उतना जुताई करेंगे हम। तो जाहिर सी बात है लागत जब बाहरी कम से कम साथियों होगी तो हमारे ऊपर आर्थिक बोझ दोस्तों क्या होगा, दोस्तों घटेगा। ओके आगे होगा कि पशुओं को खेती से जोड़ना। तो दोस्तों आवश्यकता है जो पशु पक्षी हैं, जो उनके उत्पाद हैं, जो दोस्तों जो जानवर हमारे हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनका हम इस्तेमाल करेंगे साथियों कैसे, अपने खेतों से। जैसे आप देखिए चाहे पंच गव्य हो, चाहे बीजामृत हो, चाहे साथियों घन जीवामृत हो, चाहे जीवामृत हो, जितनी भी खादें बनाई जा रही है वर्तमान में, ये खादें वर्तमान में जो केमिकल्स हैं, यूरिया है, डायमोनियम फास्फेट, इन सबके कंपेयर में इनको टक्कर दे रही हैं। तो इनका ये बनती कैसी है दोस्तों, ये बनती है गाय के गोबर से। ध्यान देना जो जैविक खेती होती साथियों वो जो है गौजन्य खेती है, इसमें गाय के गोबर का ही इस्तेमाल होता है। तो गाय के गोबर से आप देख रहे हैं बीजामृत है, जीवामृत है, पंचगव्य है, घन जीवामृत है, ये सब बन रहा है। तो जब पशुओं को हम जोड़ेंगे अपने खेतों से तो जाहिर सी बात है उनके उत्पादों का हम यहां पर अच्छे साथियों इस्तेमाल कर पाएंगे, कहेंगे। इसके बाद देखिए रासायनिक खादों का प्रयोग ना हो। यह हमें विशेष का दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का साथियों या फिर किसी प्रकार के पेस्ट कंट्रोल हमको नहीं करना है। वहां पर हमें पूर्ण रूप से हमें कार्बनिक खेती करनी है, हमें ऑर्गेनिक दोस्तों फार्मिंग करनी है और हमें केवल और केवल देसी खादों का साथियों इस्तेमाल करना है। साथियों यहां पर कहेंगे देखिए एक से अधिक फसल उगाई जाए। मतलब आपके एक कृषि कैलेंडर में एक आपके क्रॉपिंग सिस्टम में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाएं ताकि साथियों भार हमारे ऊपर कम पड़े। तो यह देखिए उद्देश्य है, इस उद्देश्य से हमें जैविक खेती करनी साथियों। और भी उद्देश्य जैसे क्या है कि स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना साथियों, और देखिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना दोस्तों। और देखिए कहेंगे इसमें देखिए साथियों, इसमें हमें दोस्तों पॉइंट में लिख रहा हूं, कहेंगे मृदा स्वास्थ्य बनाए रखना, ठीक है साथियों। या जो पर्यावरण है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण प्रिय खेती करना ताकि हमारे जो हमारा इकोसिस्टम है साथियों वो भी मेंटेन रहे। अब जैविक खेती के क्या लाभ हैं, इसके क्या लाभ साथी हो सकते हैं, भाई हम लोग क्यों दोस्तों ऐसी खेती करेंगे। देखो इसके जो लाभ हैं, क्योंकि साथी इसमें क्या, देखो इसमें जो है इसमें होगा जीरो टीलेज, मतलब न्यूनतम कर्षण, इसमें न्यूनतम कर्षण होगा, ओके ना। ना तो साथियों मिट्टी को दोस्तों जुताई करना है, अर्थात जुताई या पलटना नहीं साथियों। तो यहां देखिए हम मिट्टी को नहीं पलटेंगे साथियों और ना देखिए जुताई करेंगे उसकी। यहां दोस्त कहेंगे मिनिमम इरिगेशन, मतलब यहां पर सिंचाई कम से कम करेंगे। उसके बाद देखो जीरो केमिकल्स। अगर ये सब होगा तो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए लाभ में आते हैं साथियों, लाभ में हम कहेंगे किसके लाभ क्या क्या साथियों, इसमें हम पहला कहेंगे न्यूनतम लागत, या कहीं कहीं लागत दोस्तों जीरो लागत होती है, यहां कहेंगे साथियों न्यूनतम लागत, न्यूनतम
लागत। तो अर्थात दोस्तों यहां पर देखिए लागत क्या होती है, यह न्यूनतम होती है दोस्तों, यह दोस्तों सबसे कम होती है। उसके बाद देखिए कहेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट, किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, जब लागत दोस्तों न्यूनतम होगी तो किसानों की आय दोस्तों क्या होगी, बढ़ेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, वह समृद्ध बनेगा, वह सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। ओके तो यहां देखिए आय बढ़े किसानों की, ठीक दोस्तों, तो लागत कम से कम होगी तो जाहिर सी बात है उसका खर्चा कम होगा दोस्तों, उसकी आय बढ़ेगी। साथ ही और कहेंगे भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो सबसे जो विकट समस्या है दोस्तों वो मिट्टी की फर्टिलिटी से ही है। जैविक खेती करने का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वह यही है, ठीक है दोस्तों। और कहेंगे सिंचाई जब कम से कम करेंगे हम लोग तो क्या होगा, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी, सिंचाई अंतराल बढ़ेगा अर्थात हमें कम से कम पानी देना पड़ेगा, अंतराल बढ़ेगा। ओके दोस्तों यहां पर देखिए यह भी होगा कि सिंचाई अंतराल बढ़ेगा और कम से कम दोस्तों यहां पर देखेंगे आप लोग सिंचाई करनी पड़ेगी साथियों। और कहेंगे रासायनिक खादों पर, रासायनिक खादों पर निर्भरता घटेगी, निर्भरता घटेगी। जैसे ही आजकल देखिए जैसे यूरिया आता है मार्केट में कितनी भीड़ लगती है भाई, आप देख ही रहे हैं, मिलना मुश्किल होता है दोस्तों, किसी को मिलता ही नहीं यूरिया। तो तमाम समस्याएं ऐसी होती भाई, हमको जब यूरिया ही नहीं मिलेगा लोग कहते खेती कहां से करेंगे। जब आप जैविक खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी घट जाएगी, यूरिया मिले ना मिले कोई बात नहीं, तब भी आपकी दोस्तों खेती होगी साथियों। दोस्त कहते हैं फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, में वृद्धि। ओके साथियों अधिक उत्पादन होगा फसलों का। एक बात और देखिए, जो जैविक खेती होती है जैविक खेती से उत्पन्न हुए अनाजों को आजकल लोग अधिक प्रेफर कर रहे हैं। लोग समझते भाई इसमें किसी केमिकली खाद का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये हमारे लिए बेस्ट है, लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं साथियों, लोग उसको खा रहे हैं दोस्तों आजकल। तो कहेंगे उपलब्ध संसाधनों जैसे कि कंपोस्ट हो गई, गोबर की खाद, घरेलू अपशिष्ट का प्रयोग कर लेना। मतलब आप देखिए जो हमारे घर में जो दोस्तों जो पशु होते हैं उनका जो अपशिष्ट निकलता है वो बेकार ही तो होता है, अगर उसका हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं जैविक खेती में तो कितनी अच्छी बात साथियों, ठीक है ना। और देखो जब इनका इस्तेमाल कर लेंगे जाहिर सी बात है गंदगी दोस्तों क्या होती है साथियों उससे घटेगी। तो इसके बाद देखिए यहां पर कहेंगे पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव जीवाणु केंचुआ लाभदायक कीटों की संख्या में वृद्धि। अर्थात साथियों आप जानते हैं जो केचुआ होता है इसको किसान मित्र कहते हैं साथियों, केचुआ मिट्टी को चालता है, मिट्टी में छेद करता है, उसको भुरभुरी करता है जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो केचुआ को हम किसान मित्र कहते हैं। जो मिट्टी खाता है उसको मल के रूप में निकालता है और इससे फर्टिलिटी बढ़ती है मिट्टी की दोस्तों। इसके बाद देखिए जो आपका यहां पर तितली है मधुमक्खियां है, तमाम ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में साथ जो हमारे
जो हमारे इकोसिस्टम में होते हैं, इनका लाभ ये होता है फसलों के परागण में बड़ी हेल्प करते हैं ये। तो दोस्तों इनका रहना बहुत जरूरी हमारे लिए है। तो देखो जैविक खेती का लाभ यही होगा कि इनकी संख्या घटेगी नहीं, क्योंकि भाई जो कीटनाशी का इस्तेमाल अपने अपने खेतों में कीट के लिए कर रहे हैं, कीटों के लिए कर रहे हैं, उनसे तो यह भी नष्ट हो जाते हैं ना। यहां दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन देखो बनता है साथियों, यहां क्वेश्चन बनता है कि हमारे पूरे विश्व में पूछता है कि प्राकृतिक खेती के जनक कौन है साथियों, प्राकृतिक या जैविक खेती के, कहेंगे जैविक खेती के जनक, तो मसानोबू कुफुओका साथियों जापानी दोस्तों हैं, ठीक है ना, जापान के हैं ये दोस्तों, जापान के हैं ये, तो इनको हम कहते हैं कि मसानोबू कुफुओका, ये जैविक उसके जो खेती है जो जनक दोस्तों है। इसके बाद देखिए साथियों जो एक होती है टिकाऊ खेती खेती के जनक दोस्तों कौन है, एडवर्ड हावर्थ, साथ ही फिर पूछता है पॉइंट यहां पर कि भारत में शून्य लागत प्राकृतिक खेती जनक कौन है, खेती के जनक कौन है, तो सुभाष पालेकर और इनको पद्मश्री दिया गया दोस्तों इसके लिए, इन्होंने शून्य लागत मतलब जीरो लागत से प्राकृतिक खेती करके दिखाई है, तो साथियों इनको आप पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। देखो कितनी बड़ी बात अपने आप में है ये, कितनी दोस्तों बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो साथियों ये सारे पॉइंट देखिए आपको आने चाहिए। ओके दोस्तों बाकी हम बात करेंगे आखिर जो जिन जिन खादों का इस्तेमाल हम करते हैं प्राकृतिक खेती में उनका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या मिलाते हैं, कैसे उनको तैयार करते हैं, मैं बहुत शीघ्र बात करूंगा इन सभी के बारे में। चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।